कुछ बार कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जिनको बस जनता के सामने आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी ऑसम ऐसा दिखाना है। तो मैं बहुत मेहनत करके पास हुआ, तो उसमें तो कूलनेस और ऑसमनेस किधर है? तो फिर वो ऐसा, मैं तो विदाउट स्टडिंग एनीथिंग पास हो गया, या मैंने तो तैयारी करी लेकिन ऐसे नॉन कन्वेंशनल तरीके से करी कि मैंने ये वाला नहीं पढ़ा, मैंने ये वाला नहीं देखा, मैंने इसका ये काम पहले कर दिया। सो देयरफॉर वो कूल और ऑसम स्थापित करने के लिए प्रस्तावित सिद्धांतों के विपरीत जाकर मैंने कैसे सफलता हासिल की, ऐसी अपनी एम्बेलिश टाइप की बड़ा चढ़ाकर बनाए वाली स्टोरी बताते हैं। लेकिन ज्यादातर तो मुझे लगता है कि इनके ऐसे झूठ और पार्शियल ट्रूथ के पीछे कोचिंग माफिया का हाथ है, क्योंकि अल्टीमेटली टॉपर के सक्सेस स्ट्रेटेजी और सेमिनार वो फाइनेंस कौन करता है? कोचिंग वाले। उसके लिए 25,000, 50,000, लाख रुपए, कुछ बार कैश नहीं दिया तो आईफोन या कोई गिफ्ट दे दिया जाता है कि आप आके हमारे क्लास में ऐसा कुछ सेमिनार या स्ट्रेटेजी की लेक्चर करो। तो जब आपको टॉपर को इतना हैंडसमली पैसा मिल रहा है तो स्वाभाविक है उस वो भी थोड़ा मॉरली ऑब्लाइज्ड फील करता है कि मुझे भी इनका प्रोडक्ट थोड़ा सेल करने के लिए अच्छे दो तीन वाक्य बोलने चाहिए, तो वो बिकाऊ लोग बोलते रहते हैं। कुछ बार तो टॉपर और कोचिंग क्लास ओनर, उन दोनों के बीच कोई भेद रेखा बचती नहीं। जैसे 2017 में एक यूपीएससी टॉपर था सफीर करीम, आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं ये साहब, और उसके बाद अपने ही कोचिंग क्लासेस केरला तमिलनाडु इलाके में चला रहे थे, और फिर उनको वापस लगा कि नहीं आईपीएस में मजा नहीं, मुझे आईएएस बनना है, तो वापस एग्जाम में रीअपियर होते हैं। और वहां मेंस एग्जाम लिखते वक्त ब्लूटूथ डिवाइस लेके आए थे और उनकी वाइफ उनको जवाब लिखा रही थी, ऐसे चोरी करते वो पकड़े गए। आईपीएस ऑफिसर ऑन प्रोबेशन कॉट चीटिंग इन यूपीएससी एग्जाम वाया ब्लूटूथ हेडसेट, अरेस्टेड इन चेन्नई। तो जब ऐसे लोग टॉपर्स बन रहे तो वो क्या आपको ट्रू और इम्पार्शियल एडवाइस देंगे, सोचने का विषय है।